जो है वो लाहौर में 200 रुपए किलो 17 रुपए किलो नहीं बिक रहा? अच्छा हफीज शेख साहब तो कह रहे हैं मुशीर खजाना कि 17 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। पता नहीं उनके यहाँ बिक रहा होगा या उन्हें मिलता होगा, हमें तो नहीं मिला। उन्हें मिलता होगा, हमें अभी लिया। आपको कितने का मिला है? मैंने 200 रुपए किलो लिया। 200 रुपए किलो लिया टमाटर, यानी महंगा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हुकूमत कहती है जितनी महंगाई नहीं हुई है, जितनी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, क्या वाकई इस बात से मुत्तफिक है कि महंगाई जी नहीं? हाँ बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से इतनी महंगाई नहीं होती, लेकिन कुछ लोग खुद भी ज्यादा कर लेते हैं। आप देखिए एक ही मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे आपको मुख्तलिफ रेट मिलेगा। यहाँ पर जो टमाटर अभी मैंने 200 रुपए लिए हैं, कल अपनी तरफ से यही टमाटर 400 रुपए किलो मिल रहा था। मुझे ये बताएं जो सब्जियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, ये दुरुस्त बात है? नहीं, दुरुस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी क्या कर रहा है? बस मजबूरन थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, लेकिन परेशान सभी हैं। ऐसा हो रहा है कि आप चीजें खरीदते हुए आप बेसिक चीजें कहीं ना कहीं स्किप कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। किचन का बजट कम पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम खाना पीना तो इंसान अपनी मर्जी से कर सके, अपने बच्चों को टाइम पे हर चीज़ खिला सके। देखे ना, बच्चों के लिए फ्रूट, दूध, दही, हर चीज़ ही ज़रूरी है। जब यही चीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर सेहतमंद माशरा कैसे बनेगा, सेहतमंद पाकिस्तान कैसे बनेगा? मुझे ये बता दें कि जो चीज़ें आप अपने लिस्ट में से निकाल रही हैं, ठीक है, वो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं या लग्जरीज हैं? लग्जरीज तो ज़्यादा निकाली हैं, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए भी सोचना पड़ता है। जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे वहाँ कम खरीदते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, गरीब भर रहा है या गुरबत ख़त्म हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे फिर बताएं, अगर गरीब भी नहीं मर रहा, गुरबत भी ख़त्म नहीं, तो आवाम क्यों चीख रहे हैं? और आवाम कर ही क्या सकती है सिवाय चीखने के? यानी हम कह सकते हैं कि गरीब जो है, गरीब तो बहुत परेशान है, बस अमीर जो है वो खुश है। जो मुतवस्सत तबका है सबसे ज़्यादा वो परेशान है। मीडियोकर फैमिली सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा वो परेशान है कि उन्होंने भरम भी रखना होता है, खिलाना पिलाना भी होता है, दूसरों को भी सब कुछ साथ से लेके चलना होता है, और पीस भी, और गरीब तो खत्म हो गया। गरीब तो अच्छा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है क्या कि जो मीडियोकर फैमिली, जो मिडिल तबका है ना, वो टैक्स पे करता है अमीरों वाले, उस पर लग्जरीज पे टैक्स लगता है अमीरों वाले, हालांकि वो इतनी लग्जरीज इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन उन्हें सहूलियात गरीबों वाली भी नहीं मिलती हैं। और ये कहना कि गरीब टैक्स नहीं देता है, गरीब तो माचिस की डिब्बी भी खरीदे तो उस पर टैक्स देता है, तो फिर उसे मिल क्या रहा है?